हेलो एवरीवन, तो आज लेकर आए हैं हम प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ में हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट। और क्योंकि टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम भी कुछ ही मंथ में होने वाला है, इसलिए अपनी तैयारी को रेगुलर रखते हुए हम प्रैक्टिस सेट करते रहे हैं। तो ये आज का हमारा फोर्थ प्रैक्टिस सेट है लिटरेरी टर्म से। तो फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इसमें द कैक्सटन प्रेस वाज एस्टेब्लिश इन, यानी कैक्सटन प्रेस जो हुआ था वो कब एस्टेब्लिश हुआ था, कब स्थापित हुआ था। तो इसके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 1475, बी ऑप्शन है 1476, सी ऑप्शन 1477, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ऊपर नीचे हो गया ऑप्शन, और डी ऑप्शन है 1478। तो इसके जो सही डेट है वो है 1476 में कैक्सटन प्रेस एस्टेब्लिश्ड हुआ था। सेकंड हमारा क्वेश्चन आता है, द फर्स्ट बुक प्रिंटेड इन इंग्लिश बाई कैक्सटन प्रेस, यानी जो पहली बुक थी इंग्लिश की कैक्सटन प्रेस में पब्लिश हुई थी, प्रिंट हुई थी, वो कौन सी थी। तो इसमें ए ऑप्शन है हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय, बी ऑप्शन हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, सी हिस्ट्री ऑफ ग्रीस, और डी द बाइबल। तो इसका हमारा ए ऑप्शन सही होता है हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय, ये फर्स्ट बुक थी जो प्रिंट हुई थी कैक्सटन प्रेस में, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय, ये ऑप्शन इसका सही होता है। फिर इसका नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आता है आज के हमारे प्रैक्टिस सेट का, हु रोट ट्रू विट इज वर्ड्स ऑफ वास्ट ऑट बट नेवर सो वेल एक्सप्रेस्ड, ये एक स्टेटमेंट है, ये किसने लिखा है। ट्रू विट इज वर्ड ऑफ वास्ट ऑट बट नेवर सो वेल एक्सप्रेस्ड। तो इसके ऑप्शन है ए पॉप, सी ऑप्शन है स्विफ्ट, बी ड्राइडन, और डी शेक्सपियर। तो इसका ऑप्शन ए सही होता है पॉप, अलेक्जेंडर पॉप ने ये लाइन स्टेटमेंट दिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हुम डिड डॉक्टर जॉनसन कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, यानी किसे किसे डॉक्टर जॉनसन ने माना है फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, इंग्लिश क्रिटिसिज्म का फादर किसे माना है डॉक्टर जॉनसन ने। तो ऑप्शन ए है सर फिलिप्स सिडनी, बी ऑप्शन है जॉन ड्राइडन, सी ऑप्शन है अलेक्जेंडर पोप, और डी ऑप्शन है बेन जॉनसन। तो इसका हमारा बी ऑप्शन सही होता है जॉन ड्राइडन, जॉन ड्राइडन को डॉक्टर जॉनसन ने फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म माना है। नेक्स्ट हमारा फाइव क्वेश्चन आता है, कैडमोन एंड साइनोवुल्फ आर, ये जो वर्क दे रखे हैं कैडमोन और साइनोवुल्फ, ये क्या हैं। ये एंग्लो सैक्सन पोएट्स हैं, रोमांटिक पोएट हैं, एलिजाबेथन पोएट हैं, या विक्टोरियन पोएट हैं। तो ये कैडमोन एंड साइनोवुल्फ ये हमारे एंग्लो सैक्सन पोएट हैं, इसका ऑप्शन ए सही होता है, ये हमारे एंग्लो सैक्सन पोएट्स हैं कैडमोन और साइनोवुल्फ। नेक्स्ट हमारा सेवन क्वेश्चन आता है, हु वाज द फादर ऑफ पोएट्री इंग्लिश लिटरेचर, मतलब फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री किसे कहा जाता है। तो ए ऑप्शन है इसका जॉन गोवर, बी ऑप्शन है विलियम लैंगलेट, सी ऑप्शन है जॉफ्री चौसर, और डी बियोवुल्फ। तो इसका हमारा आंसर सी सही होता है, जॉफ्री चौसर को माना जाता है फादर ऑफ पोएट्री, फादर ऑफ पोएट्री माना जाता है जॉफ्री चौसर को। एट हमारा क्वेश्चन आता है, द बार ऑफ रोजेज टुक प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड, जो वार ऑफ रोजेस था वो किस पीरियड में हुआ था। तो इसका ऑप्शन आते हैं हमारे, ए ऑप्शन है 1380 से 1410 तक, बी ऑप्शन है 1400 से 1430 तक, सी ऑप्शन है 1455 से 1485 तक, और डी ऑप्शन है 1425 से 1455 तक। तो हमारा इसका सी ऑप्शन सही होता है 1455 से 1485 तक, बार ऑफ रोजेस हुआ था 1455 से 1485 तक। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जॉन वाइक्लिफ इज कॉल्ड, यानी जॉन वाइक्लिफ को क्या पुकारा जाता है, क्या कहा जाता है। तो इसका ए ऑप्शन है द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा, द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन,
द मॉर्निंग स्टार ऑफ रोमांटिसिज्म या द मॉर्निंग स्टार ऑफ क्लासिसिज्म, तो इसका हमारा बी ऑप्शन सही होता है, द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, बोला जाता है जॉन वाइक्लिफ को, द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन बोला जाता है जॉन वाइक्लिफ को। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्पेंसर हैज बीन हेल्ड एज पोएट्स पोएट, स्पेंसर को कहा जाता है पोएट्स पोएट, तो स्पेंसर को किसने कहा था पोएट्स पोएट, किसके द्वारा कहा जाता है पोएट्स पोएट, तो इसका ए ऑप्शन है डब्ल्यू एच पीटर, बी ऑप्शन चार्ल्स लैम, सी ऑप्शन मैथ्यू एर्नोल्ड और डी ऑप्शन है जॉन रस्किन। तो हमारा इसका ऑप्शन होता है बी सही, चार्ल्स लैम। चार्ल्स लैम ने बोला था पोएट्स पोएट किसे, स्पेंसर को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, द फर्स्ट ऑथोराइज वर्जन ऑफ किंग जेम्स बाइबल अपीयर्ड इन, यानी पहला ऑथोराइज वर्जन था किंग जेम्स का बाइबल का, जो किंग जेम्स ने लिखा था बाइबल का, वो कब आया था, तो इसकी डेट है फर्स्ट 1611, बी ऑप्शन 1613, सी ऑप्शन 1612 और डी ऑप्शन 1614। तो इसका ऑप्शन ए सही होता है 1611 में फर्स्ट ऑथोराइज वर्जन आया था बाइबल का, जो किसके द्वारा आया था, किंग जेम्स के द्वारा आया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है इसी के साथ, द रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकंड टुक प्लेस इन, यानी रेस्टोरेशन इज हुआ था, रेस्टोरेशन यानी पुनः से किसी किंग की स्थापना हुई थी, मतलब कोई किंग राजगद्दी पर बैठा था, तो ये कौन बैठे थे, चार्ल्स सेकंड बैठे थे, तो ये कब बैठे थे, तो फर्स्ट 1655, बी 1665, सी 1660 और डी 1670। तो इसका हमारा सी ऑप्शन सही होता है 1660। 1660 से हमारा रेस्टोरेशन इज स्टार्ट होती है चार्ल्स सेकंड के गद्दी पर बैठने के सही। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, द थिएटर्स वर रीओपेंड इन 1660, जो थिएटर थे वो दोबारा से खुल गए थे 1660 में रेस्टोरेशन एज के साथ ही, वेन वर दे क्लोज लास्ट, और वो बंद कब हुए थे, तो डेट है इसकी 1605 में, बी 1610 में, सी 1642 में, डी 1650 में। तो देखो 1660 में खुले थे ये, तो ये बंद हुए थे 1642 में, 1642। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होता है इस क्वेश्चन के लिए, थिएटर रिपर्न 1660 में हुए थे लेकिन ये क्लोज हुए थे 1642 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हु इज़ द बेस्ट नोन एज द फादर ऑफ द टेटलर, जो जाने जाते हैं फाउंडर ऑफ द टेटलर, वो कौन जाने जाते हैं, तो ए ऑप्शन है रिचार्ड स्टिल, बी ऑप्शन डैनियल डिफो, सी जोजेफ एजिस्टन और डी जोनाथन स्विफ्ट। तो इसका ए ऑप्शन सही होता है हमारा रिचार्ड स्टील, रिचार्ड स्टील जाने जाते हैं फाउंडर ऑफ द टेटलर, रिचार्ड स्टील। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, डॉक्टर जॉनसन्स द डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज बाज पब्लिश्ड इन, डॉक्टर जॉनसन की डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कब पब्लिश हुई थी, तो ए ऑप्शन है इसका मार्च 1754, बी ऑप्शन है अप्रैल 15 अप्रैल 1755, सी 15 मई 1757 और डी जून 1755। तो इसका ऑप्शन सही होता है बी, अब 15 अप्रैल 1755 को पब्लिश हुई थी डॉक्टर जॉनसन की डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द एसेसन ऑफ क्वीन विक्टोरिया टुक प्लेस इन, यानी जो क्वीन विक्टोरिया थी वो कब कब गद्दी पर बैठी थी कब, तो इसका ऑप्शन ए होता है 1832 में, बी 1837 में, सी 1839 में और डी 1857 में। तो इसका हमारा बी ऑप्शन सही होता है 1837 में क्वीन विक्टोरिया एक्सेसन हुई थी, और इसी के साथ ही विक्टोरियन एज की स्टार्टिंग हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सैमुअल लैंगहॉर्न क्लीमेंस रोट अंडर द सूडोनेम, यानी ये सैमुअल लैंगहॉर्न क्लीमेंस थे, ये लिखते थे किस नाम से, जैसे जॉन गाल्सवर्दी लिखते थे सर जिनसन जॉन से,
और चार्ल्स लैम एलिया नाम से लिखते थे, वैसे ही सैमुअल लैंगॉन क्लीमेंस किस स्यूडोनाम से लिखते थे? तो ए ऑप्शन है इसका मार्क ट्वेन, बी एडगर एलन पो, सी क्लारा ड्वेस और सी लेविस कैरोल। तो इसका ए ऑप्शन सही होता है मार्क ट्वेन। मार्क ट्वेन नाम से लिखते थे सैमुअल लैंगॉन क्लीमेंस, मार्क ट्वेन। हु रोट द सूडोनाम ऑफ एरिक बिलियर, एरिक बिलियर नाम से कौन लिखा करते थे? तो ए ऑप्शन है इसका जॉर्ज ऑरवेल, बी जॉयसी कैरी, सी जॉन मास्टर्स, डी विलियम सिडनी। तो इसका ऑप्शन ए सही होता है जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल को लिखा करते थे, अपने जो वर्क लिखते थे पोएट्री प्रोज, तो वह एरिक बिलियर नाम से लिखते थे जॉर्ज ऑरवेल। फिर अगला क्वेश्चन आता है विलियम सिडनी पोर्टर रोड अंडर द स्यूडोनेम, जो विलियम सिडनी थे वो किस नेम से लिखा करते थे विलियम सिडनी? तो इसका ए ऑप्शन होता है हैरी, बी जॉर्ज कैबल, सी हेनरी जेम्स और डी मार्क ट्वेन। तो मार्क ट्वेन का तो अभी हमने देखा कौन लिखते थे, सैमुअल लैंगहॉर्न क्लीमेंस लिखते थे। तो इसका ऑप्शन ए सही होता है, ओ इसमें ओ मिसप्रिंट हो गया, ओ हैरी नाम से लिखते थे कौन, विलियम सिडनी, ओ हैरी। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है हु पॉपुलराइज द टर्म लॉस्ट जनरेशन, यानी किसका जो टर्म था लॉस्ट जनरेशन वो बहुत लोकप्रिय हुआ था, कौन हुआ था लोकप्रिय इस टर्म से लॉस्ट जनरेशन में? तो ए ऑप्शन है हेमिंग्वे, बी फॉल्कनर, सी बी फॉल्कनर इसमें डिस्प्रिंट हो गया, मालवाई, डी ऑप्शन। तो इसका ए ऑप्शन सही होता है हमारा हेमिंग्वे। हेमिंग्वे लॉस्ट जनरेशन में बहुत पॉपुलर हुए थे। पुलित्जर प्राइज इज अवार्डेड बाई, पुलित्जर प्राइज किसके द्वारा दिया जाता है? तो ए ऑप्शन है इसका अमेरिकन गवर्नमेंट द्वारा, बी काउंसिल ऑफ अमेरिकन आर्ट्स एंड लेटर, द फोर्ड फाउंडेशन या कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। तो ये पुलित्जर प्राइज कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क यानी ऑप्शन डी सही होता है हमारा, इसके द्वारा दिया जाता था, दिया जाता है पुलित्जर प्राइज कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क द्वारा दिया जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, यानी लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज किसके द्वारा दिया जाता है? तो ए ऑप्शन है इसका स्वीडिश अकेडमी नॉर्वे, बी अमेरिकन अकेडमी, सी नोबेल अकेडमी ऑफ अवार्ड्स और डी द रॉयल अकेडमी ब्रिटेन। तो इसका ए ऑप्शन सही होता है नोबेल प्राइज दिया जाता है लिटरेचर के लिए द स्वीडिश अकेडमी नॉर्वे, ए ऑप्शन इसका सही होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है द बुकर प्राइज फॉर द बेस्ट ओरिजिनल नॉवेल, जो बुकर प्राइज था वो सबसे बेस्ट नॉवेल के लिए दिया जाता है, दिया जाता है कि तो किसके लिए दिया जाता है? तो इसके ऑप्शन है मैन ग्रुप, गिल्डहाल, लंदन, इंग्लैंड। मैन ग्रुप, गिल्डहाल, लंदन, इंग्लैंड, यानी बुकर प्राइज जो कब बेस्ट ओरिजिनल नॉवेल है वो किसके द्वारा दिया जाता है? तो द स्वीडिश अकेडमी नॉर्वे, द अमेरिकन अकेडमी एंड द फोर्ड फाउंडेशन। तो इसका ए ऑप्शन सही होता है हमारा मैन ग्रुप, गिल्डहाल, लंदन, इंग्लैंड के द्वारा दिया जाता है बुकर प्राइज, जो किसके लिए जाता है सबसे बेस्ट ओरिजिनल नॉवेल के लिए दिया जाता है। द वर्ड्स ऑफ टू लाइन लेंथ राइमिंग विद ईच अदर एट एंड इज कॉल्ड, यानी वर्ड्स दो लाइनों का एक वर्ड्स जिसमें राइमिंग होती है लास्ट में, सेम होती है लास्ट की राइमिंग वर्ड्स, तो उसे क्या बोलते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका क्वाट्रेन, बी सी ऑप्शन कपलेट, बी थर्ड राइम और डी एट राइम। तो इसका आंसर सी सही होता है कपलेट, जैसे यहाँ पर बी होना चाहिए था लेकिन सी लिखा हुआ है, तो कपलेट सही होता है। वर्ड्स ऑफ टू लाइंस क्या होता है? कपलेट होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और ये इस सीरीज का प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, यानी एक और 26, तो इसमें 25 क्वेश्चन हमने, इसमें 26 क्वेश्चन कवर करेंगे सीरीज में, 25 की सीरीज है लेकिन हम आज 26 क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स आप इसी तरह चैनल बने रहें और आप साथ साथ अपना स्कोर भी करते रहें,
कि आपको इसमें कितना स्कोर किया है, 25 में से कितने मार्क्स आपने प्राप्त किए हैं। तो एन अलेक्जेंड्राइन इज द लास्ट लाइन ऑफ द, अलेक्जेंड्राइन की लास्ट लाइन क्या होती है? तो ए ऑप्शन है एट्थ राइम, बी ऑप्शन स्पेंसरिन स्टेंजा, सी राइम रॉयल, राइम रिवल सेवन लाइन होती है, थर्ड राइम कुछ नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन बी सही होता है, स्पेंसरिन स्टेंजा। अलेक्जेंडर की जो लास्ट लाइन होती है वो क्या होती है? स्पेंसरिन स्टेंजा होती है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टर्जर आयमा इज अ स्टेंजा ऑफ, टर्जर ईमा क्या है, स्टेंजा में क्या कितनी लाइन्स होती हैं? तो 4 लाइन स्क्वायर ट्रेन में होती हैं, 5 लाइन पेंटामीटर में होती हैं, 2 लाइन कपलेट में होती हैं और 3 लाइन्स होती हैं टर्जरीमा में। तो इसका ऑप्शन बी सही होता है, 3 लाइन्स टर्जरीमा स्टेंजा में, 3 लाइन्स का स्टेंजा बनता है टर्जरीमा। तो फ्रेंड्स, ऐसे वीडियो पाने के लिए बने रहें चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड में, और एग्जाम भी आपका पास में, इसलिए बने रहें अपनी अच्छी तैयारी के लिए हमारे चैनल रीना एजुकेशन पर।